हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक में किस तरीके से आपको मोबाइल नंबर को लिंक करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर पंजाब नेशनल बैंक में ऑलरेडी लिंक है तो आपका जो भी एसएमएस है, जो भी आपको क्रेडिट डेबिट का जो लेन देन का मैसेज है आपके मोबाइल में नहीं आता है, तो किस तरीके से आपको पंजाब नेशनल बैंक में एसएमएस अलर्ट को इनेबल करेंगे, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो किस तरीके से आप लिंक कर पाएंगे, कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो वीडियो डाले आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल या डेस्कटॉप की ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर में टाइप करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, पीएनबी एसएमएस अलर्ट फॉर्म आपको टाइप करना होगा। इस तरीके से टाइप करने के बाद आपको सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको पहली बार मिलेगा एसएमएस अलर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको फॉर्म को ओपन करेंगे तो आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं ओपन कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको ओपन करने के बाद जो भी आपका पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए इस फॉर्म को आपको फिल करके नियरेस्ट ब्रांच में आपको जमा करना होगा। सबसे पहले ब्रांच का नेम, आपको ब्रांच जहाँ भी लिखा हो उसमें आपको ब्रांच का नेम टाइप करेंगे, जो भी आपका ब्रांच का नेम है। उसके बाद आपको जिस डेट को ये फॉर्म को आपको जमा करना है उसी डेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको कस्टमर आईडी नंबर आपको मेंशन करना होगा, जो भी आपको पासबुक में मिल जाएगा। अगर आपका यूनाइटेड बैंक पंजाब नेशनल बैंक पे गया मर्ज हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको यू लगाकर आपके कस्टमर आईडी को मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको जो भी होल्डर नेम, आपको अकाउंट होल्डर नेम आपको मेंशन करना होगा, कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में जो भी आपका मोबाइल नंबर को लिंक करना है तो आपको खाते से लिंक करने के लिए आपको जो भी मोबाइल नंबर आपको यहां पे टाइप करना होगा, सबसे पहले 91 टाइप करेंगे। उसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर को दर्ज कर देंगे। आपको यहां पे देख पा रहे क्या क्या आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। सबसे नीचे आपको यहां पे जो भी बेनिफिट है आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, क्या क्या आपको बेनिफिट दिया जाएगा जो भी आप यहां पे मोबाइल नंबर लिंक करेंगे आपने पंजाब नेशनल बैंक में, तो बेनिफिट आपको यहां पे मेंशन किया रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे सबसे नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, जो भी आपका बैंक पासबुक का जेरोक्स फोटोकॉपी। उसके बाद आपको जो भी पैन कार्ड और आधार कार्ड के इसके साथ आपको जो भी आपका पिंक मार्क है अटैच करके आपको नियरेस्ट ब्रांच में आपको जमा कर देना। आपके मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर अंदर लिंक कर दिया जाएगा, आपको एसएमएस मिल जाएगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।